आज हम बना रहे हैं सेज़वान चटनी या सेज़वान सॉस भी इसे बोल सकते हैं, जो हर चाइनीज डिश में बहुत मैंडेटरी होती है, हम सब में यूज़ करते हैं उसे। पनीर चिली हो गया, फ्राइड राइस हो गया, मंचाओ हो गया, नूडल्स हो गया, सब में विदाउट सेज़वान सॉस तो मतलब बोले ना इनकम्प्लीट रहता है चाइनीज डिश। तो सेज़वान चटनी बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें चाहिए गार्लिक जिसे हम बारीक बारीक चॉप करेंगे, हमें चाहिए जिंजर जिसे हम बारीक बारीक चॉप करेंगे, फिर इसके बाद चाहिए हमें सेलरी, सेलरी की स्टेम है, अगर ये ना हो तो आप कोरिएंडर की भी स्टेम्स यूज कर सकते हैं, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। तो सेज़वान चटनी के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो रेड चिली है, तो मैंने दो तरह की रेड चिली ले ली है, एक है थोड़ी सी ड्राई है, ये जो होती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और ये जो होती है थोड़ी तीखी होता है, और उसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करके ना इसका सारा बिया निकाल लेना है, जिस तरह से देखिए आपको सब बिया निकल गया, ऐसे आराम से आसानी से निकल जाएगा, आपको जैसे भी निकालना है सीजर से कट करके निकालना है आप निकाल लीजिए इसका सारा बिया। तो इसी तरीके से मैंने सारी मिर्ची को निकाल लिया इनका बिया। फ्रेंड्स अब हमने इसका सारा बिया जो निकाल लिया है, तो अब मैं हमने क्या करना है इसको एक अलग से बर्तन में निकाल के तब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 20 मिनट्स के लिए इसे अच्छे से हम लोग बॉईल करेंगे। फ्रेंड्स 20 मिनट्स हो चुके, अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। मैंने मिर्ची को यहाँ पे साइड में अलग से निकाल लिया छान का, इस पानी के साथ में आपको पीसना नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्स है, चिली फ्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, और ये पानी भी अभी गंदा हो चुका है, इसको हमको यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर ठंडा कर लिया है। अब इसका मैं सिर्फ एक अच्छा पेस्ट बना लूँगी विदाउट एडिंग एनी वाटर। फ्रेंड्स ये मैंने देखिए चिली का पेस्ट ऐसे बना लिया बिना पानी का ऐड करे हुए, तो इतनी थिक कंसिस्टेंसी मेरी बन चुकी है। अब मैंने कढ़ाई रख ली है, अब कढ़ाई में मैंने तेल डाल देना है, ये नॉर्मल जो हमारा सनफ्लावर ऑयल होता है वो ही डाला है, पर इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है तो मैं ज़्यादा तेल ऐड करूँगी, और दूसरी बात कि ये जो ऑयल है वो एक प्रिजर्वेटिव जैसा भी काम करेगा, जैसे अगर इसे स्टोर करना पड़ता है तो आप इसे अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं, ये ऑयल उसमें हेल्प करेगा। फ्रेंड्स हमारा ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैंने इसमें डालना है हमारा लहसुन जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखा हुआ है, वो मैंने डाल दिया है, अच्छे से स्टर कर लीजिए। दो में स्टर करने के बाद हम इसमें लहसुन का जैसे जो एक रॉ नेचर होता है वो ख़त्म हो जाए, अब इसमें मैंने अदरक ऐड कर देना है। फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स अब इसमें हम लोग सेलरी डाल देते हैं जो हमने बारीक बारीक कट करके रखी हुई है, इसे डालकर हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, तो इसी टेक्सचर में हमें रखना है, सिर्फ ये जो मेरा रॉ फ्रेगेंट था हमारा ये जो गार्लिक का वो अच्छे से कुक हो चुका है, अब इसी स्टेज पे मैं इसमें हमारा चिली पेस्ट ऐड करने वाली हूँ, स्लो गैस करते हुए हमें इसमें चिली पेस्ट ऐड करना है। बस और इसको अच्छे से हमने स्टर कर देना है वापस से, गैस मेरा एकदम स्लो है अभी इस टाइम पे। फ्रेंड्स अभी इसे हमें एकदम स्लो गैस पे ऐसे ही छोड़ देना है, चलाते रहेंगे तब तक इसको आराम से 20 मिनट धीमी आंच में इसको पकने दीजिए। 10 मिनट्स लेटर फ्रेंड्स 10 मिनट्स हो चुके हैं, 10 मिनट्स के बाद हम इसे देख लेते हैं, तेल पूरा गोल होकर सेपरेट हो रहा है और ऐसे ही टेक्सचर हमें चाहिए। अब हम इसी वक्त सारी चीज़ें और ऐड कर लेंगे, इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा केचप, थोड़ा सा डार्क सोया सॉस जाएगा इसमें, जाएगा थोड़ा सा विनेगर,
तो फ्रेंड्स इसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन शुगर डालने वाली हूँ। आप इसमें रेगुलर जो वाइट शुगर आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने वाली हूँ रॉक सॉल्ट, आप नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है, पका लेना है। 10 मिनट करीब हमने ढक कर पकाया और अब 15 मिनट हम इसे खोल के पकाएंगे मीडियम आंच पे। मोटर में है ना सेजवान ब्लैक पेपर होता है, चाइनीज़ ब्लैक पेपर होता है। ये जो सेजवान चटनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। गाइस 20-25 मिनट हो चुके हैं, 20-25 मिनट के बाद में सेजवान चटनी कुछ ऐसी दिख रही है, जैसे सेजवान चटनी बोली या सेजवान सॉस बोलिए जो बोलना है। ये देखिए इस तरह से इसका टेक्सचर हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल टेक्सचर आता है, एकदम ऑथेंटिक। जो वेस्टर्न स्टाइल में जैसे हम बनाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमको मिलता है वही है, बस रेस्टोरेंट को हमने घर पे लिया है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है, बस इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सेजवान चटनी बन चुका है और अब इसे मैं ट्राई करने वाली हूँ। मैंने मंचूरियन भी बनाया हुआ है, इसकी भी रेसिपी मैं कभी और डालूंगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसे ट्राई किया और एकदम परफेक्ट बनी हुई है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप भी इसे ट्राई करिएगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट हाउ इट गोज फॉर यू। सो मी शनाया सैनी हो फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और खाने पर ज़रूर आइएगा।